व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव शुक टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यू एंड आई के बिल्कुल ही एक लेटेस्ट और एक ब्रांड न्यू ईयरबड्स की, जिसका नाम है यू एंड आई TWS 5067। एंड आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू देता हूँ कि आपको इन ईयरबड्स में क्या क्या देखने मिलता है, कैसे इनका डिज़ाइन है, क्या इनके फीचर्स हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, तभी आपको मज़ा आएगा। एंड साथ ही साथ एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो बस चलिए, अब और तो कुछ नहीं बोलना मेरे को, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है। एंड यहाँ पे अगर हम बॉक्स की बात करें तो बॉक्स में यहाँ पे आपको यू एंड आई की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, बॉन्ड टू विन जहाँ पे लिखा हुआ है। डन सीरीज की तरफ से आते हैं, प्रॉमिस इनका जो बैच हमेशा एक हर एक बॉक्स के ऊपर होता है। एंड आपको काफ़ी बड़ी एक पिक देखने मिल जाती है इन ईयरबड्स की। तो इन ईयरबड्स का जो साइज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक शेप है इन ईयरबड्स की, वो काफ़ी ज़्यादा अलग हटके है एक नॉर्मल ईयरबड्स से। यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर देखने मिल जाता है जो कि है TWS 5067। एंड साथ ही साथ अगर इसके यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको 30 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने मिलता है, ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स विद टच सेंसर। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको इसके अंदर फ्री एक इसका कवर भी देखने मिल जाता है। गाइस, होता क्या था कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि भाई यू एंड आई के हम ईयरबड्स ले रहे थे बट इनकी शेप अलग अलग होने की वजह से इनके जो ईयरबड्स के जो कवर है ना, वो मिल नहीं पाते। यानी कि वो आपके एप्पल सीरीज के जो थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन होती थी, अगर उनके जैसा सेम है तो आपको मिल जाता था मार्केट में, और अगर कुछ अलग हटके आता था प्रोडक्ट तो उसके कवर मिलते नहीं थे। तो अब इन्होंने क्या करा, इसी चीज़ का सॉल्यूशन, हर एक बॉक्स के अंदर ये इनबिल्ट अपने खुद के कवर देते हैं आपके, मतलब प्रोडक्ट करने के लिए केस को। तो गाइस, अगर हम बॉक्स के पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको ये ईयरबड्स देखने मिल जाते हैं जो कि आपके अंदर रखे हुए हैं। एंड साथ ही साथ इसमें आपको ब्लूटूथ 5.1 जो कि बिल्कुल लेटेस्ट एक ब्लूटूथ वर्जन है, वो आपको देखने मिलता है। एंड यू एंड आई बॉन्ड टू विन की यहाँ पे ब्रांडिंग दोबारा से देखने मिल जाती है, यहाँ पे ये ईयरबड्स रखे हुए हैं। तो ये कुछ ना स्नोबॉल का एक माइक नहीं आता था गोल वाला, ये कुछ मेरे को उसकी याद दिला रहा है, क्योंकि भाई हम हैं क्रिएटर्स तो हमें तो भाई मतलब सेम चीज़ों से रिलेट करेंगे। एंड यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह मेंशन करेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, एड्रेस, क्वांटिटी कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है और कमोडिटी नेम है। MRP यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो कि है 3499, बट इसका एक्चुअल काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आपके अगर आप सोच रहे हैं कि एक बजट में आपको एक अच्छी ईयरबड्स देखने मिल जाए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर दे रखा है, कस्टमर केयर एड्रेस दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है। एंड यहाँ पे कुछ इनके सोशल मीडिया हैंडल्स मेंशन कर रखे हैं जैसे कि इनकी साइट वगैरह, और यहाँ पे जो एक इनकी ब्रांडिंग हमेशा रहती है जैसे इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए, ये बिल्कुल प्योरली मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है। तो आप अगर इसको परचेज करना चाहते हो तो आप जाके कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको इस ईयरबड्स के अंदर एक और फीचर देखने को मिलता है जो कि है पॉप अप विंडो वाला स्कैन टू कनेक्ट। तो आपको ये वाला फीचर देखने को मिल जाता है। और इस तरफ यहाँ पे आपका स्कैन मी, ये आपकी यू एंड आई की एप्लीकेशन, अगर आप मतलब यू एंड आई की साइट वगैरह पे आप डायरेक्टली स्कैन करके जाना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। तो फटाफट से आप इसको ओपन करते हैं। तो गाइस, इसके रैप को मैंने साइड से यहाँ से थोड़ा पील कर लिया था, और ऊपर से आप इसके रैप को यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ से इसके रैप को रिमूव कर दिया। तो भाई, जैसे रैप उतरा डब्बा और ज़्यादा नया हो गया। तो अब फटाफट से इसके लिड को, जैसे कि इनके हर एक बॉक्स में होता है, इनकी जो ऊपर की अंदर की लिड वो अलग होती है एंड ऊपर का पार्ट अलग होता है। एंड यहाँ पे तो शाहिद कपूर शायद इस वाले ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर है, तो इसलिए उसकी फ़ोटो हर एक उसमें होती है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शाहिद कपूर की फ़ोटो है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रांड एम्बेसडर है। एंड फोटोग्राफ शोन इज़ फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस ओनली। यहाँ पे यू एंड आई के ईयरबड्स लगे हुए हैं, 30 आवर्स की बैटरी बैकअप यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर रखा है, ट्रू वायरलेस पॉप अप विंडो टू कनेक्ट स्कैन टू कनेक्ट। एंड डन सीरीज की तरफ से आते हैं, और साइड में अगर और फीचर्स की बात करें तो ये आपके साइड में कुछ फीचर्स वगैरह मेंशन कर रखे हैं जो कि है कि ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पे आपको 5.1 देखने मिलता है। ईयरफोन वर्किंग टाइम की बात करें तो 3-4 आवर्स का ईयरफोन वर्किंग टाइम है। ईयरफोन चार्जिंग टाइम की बात करें तो 1.5 घंटा ये चार्ज होने में लेते हैं ईयरफोन्स, यानी कि आपके ईयरबड्स। चार्जिंग टाइम की बात करें तो अबाउट 2-3 आवर्स लेता है आपका पूरा केस चार्ज होने के लिए। ईयरफोन बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 26 mAh की है, एंड चार्जिंग केस बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 300 mAh की है। एंड सपोर्ट प्रोटोकॉल है यहाँ पे HSP, HFP, A2DP एंड AVRCP। और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करें तो 2.4 GHz से लेकर 2.435 GHz तक आपको देखने मिलता है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर रखी है, जैसे प्लीज चार्ज द डिवाइस बिफोर यूज़, ऑलवेज 2 ampere चार्जर चार्जिंग केबल। और अगर हम इसके दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पे आपके कुछ डिटेल्स वगैरह मेंशन कर रखी है, जैसे कि मिनी एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, वायरलेस 5.0 एस्टोनिशिंग स्टीरियो बेस, एंड साथ ही साथ अपग्रेड नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन्स। यहाँ पे दोबारा से स्कैनिंग दे रखा है आपका,
तो अब फटाफट से ना एक बार इसकी हम ऊपर से ना सील को हटाते हैं एंड देखते हैं कि आपको अंदर ईयरबड्स कैसे देखने मिलते हैं। तो एक बार मैं इसके जो सील है इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो प्यार वाली अनबॉक्सिंग करते हैं, मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि भाई डब्बा खुला भी है। और एक बार से इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं एंड अंदर एक और ट्रे रखी हुई है जो कि बाहर निकालनी चाहिए। एंड गाइस ये सारी चीज़ आपको देखने मिलती हैं। तो ये इसका बॉक्स अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है, उसको रख देते हैं साइड में। एंड अब एक बार देख लेते हैं कि आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने मिलता है। तो गाइस यहाँ पे ये इन्होंने अपना कवर दे रखा है जो कि एक रबड़ कवर है एंड ग्रीन कलर का कवर है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे रहा है ये, मतलब क्वालिटी आपकी डिसेंट है। ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रीमियम है या ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बेकार है। एक अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है कवर की। एंड साथ ही साथ आपको एक हुक भी देखने मिलता है जो कि आप इसमें लगा के अपना इसको कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो चार्जिंग केबल देखने मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी सी चार्जिंग केबल है एंड टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल देखने मिलती है, जो कि इन ईयरबड्स की काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टाइप सी जो होती है ना आपकी चार्जिंग केबल, वो आपके आजकल हर एक फ़ोन के अंदर आती है। मतलब माइक्रो यूएसबी तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, बट टाइप सी जो है वो आपका हर एक फ़ोन के अंदर देखने मिलती है। तो आप इनको अगर इनको इससे चार्ज नहीं करना चाहते तो आप अपनी नॉर्मल फ़ोन की चार्जिंग केबल से आप इनको चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से चार्जिंग केबल देखने मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी डिसेंट क्वालिटी में आपको देखने मिलती है। वायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और वाइट कलर में आपको ये चार्जिंग केबल देखने मिलती है। तो एक बार इसको साइड में रख देते हैं एंड ये आपके ईयरबड्स का कवर हो गया जो कि मैं आपको बना के दिखाऊंगा किस तरीके से आते हैं। अब बात करते हैं अपने मेन ईयरबड्स की। गाइस बेसिकली मैं आपको पहले ट्रे बता दूं, ट्रे में आपको यहाँ पे ऊपर मॉडल नंबर देखने मिल जाता है TWS5067। Hyundai की ब्रांडिंग देखने मिलती है प्लीज चार्ज द डिवाइस बिफोर यूज, जो कि आप बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ था। एंड ये आपके ईयरबड्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में मेरे को लग रहे हैं, मतलब कंडीशन तो अच्छी होगी ऑलमोस्ट। अभी मैंने अनबॉक्स किया है इनको, तो उसके रैपर को एक बार बाहर निकाल लेते हैं। रैपर को बाहर निकालने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यार मतलब प्रीमियम फिनिशिंग दे रहे हैं, स्नोबॉल जैसा लुक आ रहा है इसका। और अगर बैक साइड से देख सकते हैं आप, बैक साइड से आपको यहाँ पे एक बटन भी देखने मिल जाता है जो कि इनको एक्टिव करने के लिए एंड बैटरी स्टेटस पता करने के लिए। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाता है जिसमें कि आप अपनी चार्जिंग केबल आके इनको चार्ज कर सकते हैं। एंड अगर इसके यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एक मॉडल नंबर भी मेंशन कर रखा है TWS5067 एंड नीचे डेट भी मेंशन है 6/2022। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब एक बार इसको यहाँ से ना ओपन करते हैं, तो गाइस इस तरीके से ओपन हो जाते हैं। मतलब यार ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रीमियम उसमें आ रखे हैं, मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं इसको जैसी बाहर निकालता हूँ तो गाइस इस तरीके से आपको यहाँ पे ईयरबड्स मिल जाते हैं। मैं एक बार इनको बाहर ही निकाल लेता हूँ और आप देख सकते हैं इस तरीके की क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी में आपको ये कवर देखने मिल जाते हैं, जैसे आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम केस ही, मतलब इनका इतना ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है मेरे को, बाकी और तो सब दूर की बात है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इस तरीके से यहाँ पे ऑन हो जाते हैं, ऑन एंड एक्टिव हो जाते हैं। और अगर आप जैसे इसके अंदर डालेंगे ये ईयरबड्स तो ये आपका चार्ज होना भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। गाइस मैंने गलत में डाल दिया और ये आपका इस साइड हो गया। तो अभी आपके चार्ज होने स्टार्ट हो चुके हैं और पेयरिंग के लिए रेडी है। अब मैं आपको एक बार अंदर ईयरबड्स का एक छोटा सा वो देता हूँ कि ईयरबड्स आपको किस तरीके देखने मिलते हैं। इसको तो केस को बंद करते हैं। तो ये आपका ईयरबड है जहाँ पे कि आपको पीछे एक टच सेंसर देखने मिल जाता है, ऊपर आपको छोटा सा एक लाइट का इंडिकेटर देखने मिलता है इनका कनेक्शन स्टेटस पता करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी लंबी सी एक रॉड टाइप में आपको देखने मिलती है जहाँ पे Hyundai का एक जो लोगो है वो यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे चार्जिंग डॉक के लिए एक छोटी छोटी पिन देखने मिल जाती है जिससे कि ये ईयरबड्स चार्ज होते हैं। एंड इनमें क्या है कि आपको ना ये जो ईयर टिप है वो आपको ब्लैक देखने मिलती है, आपको यहाँ पे वाइट देखने मिलती है, इसलिए थोड़ा ये अलग भी लग रहे हैं। दोनों में आपको ये ब्लैक देखने मिलती है। एंड ये सेंसर है जिससे कि आप अपनी कॉलिंग के फंक्शन एंड प्ले एंड पॉज अपने सॉन्ग्स के अंदर आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नॉइस कैंसिलिंग के लिए एक छोटा सा एक होल देखने मिल जाता है जो कि आपका एक माइक्रोफोन का वर्क करता है। और सामने की तरफ आपके ईयरबड्स हैं। तो जो इनका डिज़ाइन है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे की तरफ भी एक आपको होल देखने मिल जाता है जो कि आपका सेम यही पर्पस में काम आता है। ऐसी सेम आपका ये वाला है, बस ये वाला आपका राइट के लिए है। यहाँ पे ये मेंशन भी करते हैं बट इनमें मेंशन नहीं कर रखा है। तो गाइस ये वाला आपका लेफ्ट के लिए है, ये वाला आपका राइट के लिए है। एंड अब ना एक बार आपको इसको चार्ज भी करके दिखाया था कि चार्ज किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे इन पर इनको अंदर डाल देते हैं। एंड
एंड गाइस मैं सच बता रहा हूँ कि अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं एंड आप बेस सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो यार Hyundai के मेरे पास एक और ईयरबड्स भी हैं, Hyundai TWS 5454 है मेरे पास, या 5130, मतलब जो नॉर्मल आते हैं ना आपके, जैसे कि आपके एप्पल के आते हैं सेकेंड जनरेशन से बहुत ज़्यादा सिमिलर है वो, नहीं थर्ड जनरेशन वाले हैं वो, तो वो है मेरे पास। एंड अब ये वाले मैं एक बार टेस्ट करके देखे थे मैंने इससे पहले, क्योंकि एक और जो इसका पीस था वो मेरे पास पड़ा हुआ था एंड काफ़ी अच्छी फिनिशिंग मेरे को, तो ये इतना ज़्यादा प्रीमियम सा लग रहा है, मतलब हाथ में पकड़ने में फील आ रहा है इसको। अब मैंने एक बार आपको इसको चार्ज करके दिखाता हूँ कि चार्ज किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी ईयरबड्स को लगा देता हूँ, तो काफ़ी अच्छी जो फिटिंग है ना चार्जिंग केबल की वो काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है आपको। एंड इस तरीके से आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर की ये लाइट जल रही है, जैसे कि आपको ये इंडिकेट हो रहा है कि ये चार्ज हो रहे हैं। एंड जैसे ये फुल चार्ज हो जाएगा ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी ग्रीन लाइट के अंदर, मतलब ये फुल चार्ज हो चुके हैं। अब मैं एक बार आपको इसका केस एक बार इसमें लगा के दिखाता हूँ, केस के अंदर किस तरीके से ये रहते हैं। तो ये गाइस ये केस के अंदर इस तरीके से लगा देते हैं, आपका केस के अंदर हो गया। बट ये जो केस है ना, मैं आपको बताऊँ केस की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, नॉर्मल सी डिसेंट सी क्वालिटी है। यहाँ पे आपको कट दे रखे हैं बट ये कट ना अच्छे से फिट नहीं हुए शायद मुझसे। ये जो केस की क्वालिटी है ये आपकी कटिंग के हिसाब से आएगी इस तरीके से, तो ये ऐसे आपकी क्वालिटी देखने मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से जो इनकी फिटिंग है वो तो काफ़ी अच्छी है, Hyundai का खुद का मतलब केस है, तो इसमें और बुराई वाली बात ही क्या है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक होल भी देखने को मिलता है जिसमें कि आप अपना ये हुक डाल सकते हैं। मैं एक बार आपको हुक भी डाल देता हूँ, ये अपने अपना हुक डाल दिया, तो आप गाइस इस तरीके से अपना हुक डाल सकते हैं एंड ये आपका हैंगिंग करने के लिए हो जाएगा। एंड साथ ही साथ इस केस के अंदर आपको यहाँ पे एक छोटा सा ये बस, तो अगर आप देख पा रहे हो शायद कैमरे में नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर लाइट दिख रही है बट इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही क्योंकि हमने केस लगा दिया। अभी एक बार केस को उतार देते हैं और वैसे दिखाता हूँ। तो गाइज अगर आपको ये वाले ईयरबड्स परचेज करने हैं तो इसकी जो सारी डिटेल्स वगैरह रहेंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आपको परचेज करना है, क्योंकि अगर आप मेरे थ्रू परचेज करना चाहते हैं तो गाइज मैं COD ज़्यादा स्टेट्स में अवेलेबल नहीं करा पाता, COD सिर्फ दिल्ली और दिल्ली NCR के अंदर अवेलेबल है। और अगर आपको कहीं दूर मंगाना है तो वहाँ पे आपको एडवांस ही पे करना पड़ता है, COD कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो गाइज इस तरीके से आपको यहाँ पे ईयरबड्स देखने मिल जाते हैं। पीछे का मैंने आपको बटन दबाई थी, ये हमेशा स्टेटस चेक करने के लिए होता है कि आपकी बैटरी कितनी है और बाकी इसका अगर कोई काम नहीं होता। फ्रंट में आपको ये ब्रांडिंग भी मिल जाती है सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी अच्छा प्रीमियम एक फील दे रहा है ये ईयरबड, कि अगर आप किसी के सामने अगर लेके जाते हो ना तो आपको कहीं भी ये लो फील नहीं कराया कि यार मेरे ईयरबड्स कम के हैं, मतलब सबको यही फील होने वाला है कि यार अच्छे और प्रीमियम क्वालिटी के ईयरबड्स हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी हो। एंड गाइस हाँ एक चीज़ और, अगर आप इसको फ़ोन से कनेक्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे मॉडल नंबर ये वाला शो होता है जो कि इसका मॉडल नंबर है TWS 5067, आपको वहीं पे शो होता है एंड ये बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप इनको केस से बाहर निकालेंगे आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे आप इनको केस में डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाते हैं। नॉइस कैंसिलिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी है। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको सुना नहीं सकता अपने माइक के थ्रू, नहीं तो अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं आपको वो भी करके दिखाता। तो अगर आपको ये ईयरबड्स परचेज करने हैं एंड अगर आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगे तो इस वीडियो को देना लाइक, और अगर आपको ये ईयरबड्स परचेज करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मैंने मेंशन कर रखी हैं, आप वहाँ से जाके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ इनको बुक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप समझते हैं आप चेक नेक्स्ट, गुड बाय और अपने ध्यान रखें।